आज बना रहे हैं मछली की करी। और आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपकी मछली की ग्रेवी कभी भी कड़वी नहीं होगी। तो सबसे पहले फिश को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने में फिश में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस हल्दी, मिर्च और नमक है। इनसे कोट करके फिश को क्रिस्पी फ्राई करना है। और तेल को जो है वो मीडियम हीट पे रखना है, बहुत ज्यादा हीट भी नहीं और कम भी नहीं होना चाहिए। और जब एक साइड से अच्छे से पक जाए तब दूसरी साइड पलट देंगे। बीच में इसको टच नहीं करना है, नहीं तो मछली आपकी टूट जाएगी। और मछली को क्रिस्पी फ्राई इसलिए करेंगे क्योंकि मछली जो है कुछ देर जब आप बाहर रखिएगा तो थोड़ी सौगी हो जाती है। तो थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी होगा तो मछली आपकी सौगी नहीं होगी ग्रेवी में जाने के बाद भी, तो और भी मजा आएगा इसको खाने में। तो ये रोहू फिश है, आप कोई भी फिश यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मछली हमारी करारी फ्राई हो गई है। अब ग्रेवी के लिए लिया है मैंने यहाँ पे लहसुन, ये 2 बड़े लहसुन के दिए थे। उसके बाद अदरक लिया है, मिर्च लिया है और धनिया है, येलो सरसों है, ब्लैक सरसों है और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। इन सब का मैं एक पेस्ट बना लूंगी। इधर मछली फ्राई हो गई है तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ और ऑयल जो है अब इसको निकाल लेंगे क्योंकि इतना ज्यादा ऑयल नहीं डालना है। इसी ऑयल में डाल दिया मैंने 1 टमाटर कटे हुए। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें ये जो पेस्ट था इसको डाल देंगे। अब इसको फ्राई करना है, यहाँ पे हल्का सा नमक डाल देंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक तेल बाहर नहीं आने लगेगा। अब इसमें डाल दिया हल्दी और मिर्च, अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और ये देखिए तेल बाहर आ रहा है। तो जब ये आपको मसाला इस तरह से फोल्ड होने लगता है ना, इट मीन्स कि आपका मसाला अच्छे से सरसों वाला फ्राई हो गया है। और इस तरह बनाने से कभी भी ग्रेवी आपका कड़वा नहीं होगा। हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि अगर सरसों वाली करी बना रहे हैं तो सरसों बाद में डालना है या पहले डालना है, कितना फ्राई करना है। तो इसकी यही निशानी है कि मसाला फोल्ड होने लगता है तो हो गया। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया था, मिर्च डाल दिया था, ढक दिया था। जब उबल गया तो इसमें मछली के पीसेस ऐड कर दिए हैं और ये थोड़ा सा भुना जीरा ऊपर से डाल दिया। धनिया के पत्ती है तो डाल सकते हैं, बहुत लोगों को ये पसंद नहीं होती है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ग्रेवी बन के तैयार है। ये मछली की ग्रेवी हम लोग थोड़ा सा पतला ही रखते हैं क्योंकि बहुत ही करारा लगता है, मजा आता है खाने में।